आज हम आपके सामने नई रेसिपी लाके आए हैं फ्रेश वेज नूडल्स। उसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स जो जरूरत है लगेंगे, हमें क्या क्या लगेंगे, जो मेन आइटम है इसमें इंग्रेडिएंट, नूडल्स 400 ग्राम, हम 400 ग्राम नूडल्स बनाएंगे। इसके साथ जो भी बाकी इंग्रेडिएंट्स हैं, ये कैप्सिकम इसको हमने स्लाइस में काटा है, चॉप किया हुआ ऑनियन 100 ग्राम तक, ये भी 100 ग्राम तक कैप्सिकम भी, टमेटोज भी इसको भी हमने काटा है, ये भी 100 ग्राम तक, और 3-4 रेड चिलीज, हम जिसमें सॉस भी हम डालनी पड़ेगी हमें, और कैबेज इसमें 150 से 200 ग्राम की जरूरत पड़ेगी हमें, ये सोया सॉस, इसमें सोया सॉस 1.5 चम्मच, चिल्ली सॉस 2 चम्मच तक, 2.5 चम्मच तक और ऑरेंज रेड कलर ये भी 1/2 टीस्पून, इसमें विनेगर लगेगा हमें 2-3 चम्मच, जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टीस्पून, मस्टर्ड ऑयल 100 ग्राम, और जो बाकी इंग्रेडिएंट्स हैं इसमें रेड चिली पाउडर 1 से 1.5 चम्मच, सौंफ पाउडर 1 चम्मच, धनिया पाउडर 1 चम्मच, हल्दी 1/2 टीस्पून और साल्ट टेस्ट के अनुसार आप जितना आपको लगेगा, सब रिफाइंड ऑयल भी हमें इसके लिए लगेगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो ये नूडल्स हैं, नूडल्स को बॉयल करने से पहले हमें ये करना है कि पहले देखना है हमें कि बॉयल पानी हो गया है कि नहीं। जब बॉयल पूरा हो जाएगा पानी, इसमें हम सबसे पहले 1-2-3 टीस्पून डालेंगे इसके रिफाइंड ऑयल के, विनेगर भी डालेंगे इसके अंदर हम 1 से 2 चम्मच, ऑरेंज रेड कलर थोड़ा सा इसके अंदर, अब हम इसके अंदर ये नूडल्स डालेंगे। नूडल्स को डालने का एक तरीका है, इसको जब हम ऐसे इसके अंदर डालेंगे, इसको आहिस्ता आहिस्ते डालना है, इसको प्रेस जोर से भी करना, अगर हम प्रेस जोर से करेंगे इसको, ये जो नूडल्स हैं ये टूट जाएंगी, तो फिर इसमें वो टेक्चर नहीं रहेगा जैसे हम चाहते हैं बनना। इसको आराम से नीचे से नीचे नीचे करना है, इसको इतनी देर तक पकाना है कि ये थोड़ा सा हाफ कुक हो जाए, थोड़ा सा ये नरम होना चाहिए, अभी ये सख्त है, इसको हाफ कुक करना है, हाफ से भी थोड़ा सा समझो 70% तक कुक करना है। देखो 70% तक ये कुक हो गई है, अब हम इसको ड्रेन आउट करेंगे। अब हमें इसको रनिंग वाटर के नीचे थोड़ा धोना है, इसको ऐसे हम करेंगे। अब हमने इसको देखो सारा पानी ड्रेन आउट कर दिया है इसमें, अब हम इसमें 2 से 4 चम्मच रिफाइंड ऑयल के ऐड करेंगे, अब आएंगे रिफाइंड ऑयल, ये इसलिए हम मिलाते हैं रिफाइंड ऑयल जब बनाते टाइम कि नॉन स्टिकी हो जाए चाहिए, क्योंकि अगर रिफाइंड ऑयल हम इसको ऐड नहीं करेंगे ये नॉन स्टिकी नहीं रहेगी। फिर ये देखो ना अलग अलग से आ रही। अब हमें कढ़ाई में तेल डाल दिया, ये थोड़ा गर्म हो गया है, इसके अंदर हम एक कैप्सिकम डाल देंगे, इनको पहले फ्राई करेंगे 2-3 मिनट के लिए, इनको फ्राई करेंगे हम। इसमें ये ऐड करेंगे कैबेज, इसको भी 2-3 मिनट के लिए इसको भी पकाएंगे हम। इसमें
अब हमने इसको तीन चार पांच मिनट के लिए इसको हमने पकाया। अब हम इसको ऑनियन चॉप्ड वन ऑनियन भी डाल देंगे, टमेटोज भी डाल देंगे, तो सबको मिला लेंगे। अब हम इसमें जो बाकी इंग्रेडिएंट्स है, धनिया पाउडर, सौंफ पाउडर, रेड चिल्ली पाउडर, हल्दी, इसके बाकी भी इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। चिली सॉस, टोमेटो सॉस, सोया सॉस, विनेगर, हम और पकाएंगे एक दो मिनट के लिए, बस ज्यादा नहीं। हम हमने इसको एक दो मिनट के लिए पकाया। अब हम इसमें ये नूडल्स ऐड कर देंगे। अब हम देखेंगे इसको, देखो ये पक के तैयार हो गया। थोड़ा हमें इसको साथ साथ चलाना है ना, इसको देखेंगे पक के अब तैयार हो गया। अब हम इसकी प्लेटिंग करेंगे। Please do subscribe my channel, comment, share and like.